सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि। आज मैं अभी नहा वहा के रेडी हो गई हूँ। अभी देखिए ऑफिस टाइम होने वाला है, मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 12 o'clock से। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं पीऊं, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है सच। और क्योंकि रोज़ वही, फिर अभी देखिए ये हो गई मेरी ग्रीन टी विथ लेमन एंड हनी अगेन इज़ रेडी। साथ में मैंने अपने ग्रेप धुल के फ्रिज में रख दिए हैं, वो ले लूँगी। और सोच रही हूँ कि उसके बाद मैं दही खा लूँगी। तो पहले तो ग्रीन टी ये सब पीते पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कितना टाइम क्या होता है। पहले काम भी शुरू करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। बाय। फिर यहाँ पे मैंने ऑफिस का लैपटॉप खोल के सेट वेट करके मैं बैठ गई थी, साथ में ग्रीन टी पी रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा था। तो मेरी शक्ल पे आप एक्सप्रेशन देख सकते हो। और मुझे ना एक कोर्स करना था, तो मीनवाइल कि मेरी टीम के लोग अभी आए नहीं थे, तो फिर मैं अपना कोर्स करने में लग गई कि तब तक कोर्स ही ख़त्म करने का ट्राई करती हूँ। ये सब आई गेस सबके ऑफिसेज में सब कोर्सेज करने होते हैं कंपलसरली, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हो गया और ये सब जो भी कोर्सेज होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर आपको हर साल कुछ ना कुछ छोटा मोटा देते रहते हैं। तो बस वही मैं कर रही थी और अपना ग्रीन टी पी रही थी एक्स्ट्रा खट्टा, बस यही चल रहा था। ऐसे शुरू हुआ मेरा दिन। बीच में ऐसा हो गया कि ग्रीन टी पी के मुझे लगा यार ठीक है जल्दी ख़त्म करते हैं। फिर मैंने आई गेस ग्रीन टी ख़त्म कर लिया था, फिर मैं गई उठ के अपना अंगूर भी लाने में बीच में गई थी। आई गेस वो भी क्लिप यहाँ पे होनी तो चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसको ऑफ किया होगा। तो फिर मैं बीच में जाऊँगी, अपना अंगूर लेके आऊँगी, फिर मस्त अंगूर खाएंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फास्ट फास्ट है तो लगता है ऐसा ना हो बेहोश होके गिर जाऊँ। तो बस इसीलिए अभी मैं ऑफिस इस हफ्ते के लिए नहीं जा रही हूँ, वरना तो फिर मैं आपको अपने ऑफिस से भी थोड़ा बहुत काम करते हुए दिखूँगी। तो बस अभी वही घर कोर्स वोर्स चल रहा था, कोर्स ख़त्म करना था, अभी और कोर्स बचा हुआ है, ख़त्म भी नहीं हुआ, क्योंकि बीच में फिर मेरा काम शुरू हो गया था प्रॉपरली। ये देखो अभी मैं उठ के गायब हो गई, या आ गया मेरा अंगूर, अंगूर खाना शुरू। आधे टाइम तो मैं बस खाती रहती हूँ ऐसा लगता है, बस खाती खाती खाती। और ये हनी और ये सब पीने को मम्मी ने कहा है कि इससे एनर्जी रहती है फास्टिंग में, तो इसलिए मैं सबसे पहले गर्म पानी में वो सब डाल के पी लेती हूँ। तो मुझे लगता है हाँ चलो भाई जय हनुमान जी का नाम लेके शुरू करो, कम से कम एनर्जी तो रहेगी आपके पास। तो बस यही था पहले। फिर और पता इतनी भूख लगती है जब आप व्रत रहो, तो वैसे मुझे भूख इतनी नहीं लगती, पर नवरात्रि में अभी फ्रूट्स खा रही हूँ, फिर ऐसा लगता है कि चलो कुछ बना लेते हैं। आई गेस वो भी शुरू करूँगी। ये देखिए क्या कर रही हूँ मैं, पागलपंती, बस पागलपंती, फुल टाइम पागलपंती कह लो आप। रही हूँ अभी मैंने ऑफिस से ब्रेक लिया है और मैं सोच रही हूँ बनाने का लौकी का चीला कुट्टू के आटे के साथ। लेट्स सी कैसा बनता है, कैसे बनता है मुझे नहीं पता। मम्मी को देखा है कुछ लौकी घिस विस के आटे में मिला के बस वैसे से बनते बना देती हूँ, मैं भी ऐसे कुछ ट्राई करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बाउल ले लिया है, इसमें मैं कुट्टू का आटा डाल रही हूँ। कुट्टू का आटा आप व्रत में खा सकते हो, तो ये लाइक थोड़ा राहत है, वरना सिर्फ फ्रूट्स पे खाना तो आई गेस फिर तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस फ्रूट पे जिंदा रहना। तो ये मैंने कुट्टू का आटा ले लिया, फिर अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। देखते जाइए मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। सबसे पहले आएगा इसमें ये रहा ब्लैक पेपर पाउडर, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जीरा। जीरा मुझे लगता है मैं हर चीज़ में डालने लग गई हूँ, वैसे डालते तो हैं, डालते ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया जीरा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक। तो ये देखिए मैं बड़ा ही डेयरिंग काम कर रही हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट डालते हैं सेंधा नमक, अगर ज़्यादा गिर गया ना तो फिर मेरा ही पोपट होगा। फिर उसके बाद अब हम लेंगे अपना लौकी। ये देखिए आ गई हमारी लौकी जो कि ज़ेप्टो से आई थी, बड़े अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के आई थी। सबसे पहले लौकी को हम कट करेंगे, फिर उसको धुलेंगे एंड फिर हम उसको ग्रेट कर लेंगे। फिर ग्रेट करने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स आउट करना है। चलिए थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं, अभी मैं करूँगी। ये देखिए तो इसको, और ये जो मेरा पीलर है ना ये मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, हमको लगता है हमको नया पीलर लेना होगा, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा है। ये मैं पील करके आ गई हूँ इसको धुल वुल के,
अब आई गेस मैं खोज रही हूँ मेरा ग्रेटर, क्योंकि मैं सामान कहाँ रखती हूँ मुझे खुद को नहीं पता होता है। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, बट मैं तो इतनी बड़ी वाली भुलक्कड़ हूँ ना, मैं क्या बोलूँ, अभी से लगता है कि बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं। तो ये आ गया फाइनली मेरा ग्रेटर, अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे ग्रेट, खच 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 खच। और मुझे लगता है कि हम चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, अच्छा ही टेस्ट आएगा ना, कुछ तो ट्राई करेंगे। और वैसे हाँ, बाय द वे, मुझे आपको खट्टे आलू पसंद है क्या, वो जो दही वाले आलू बनते हैं व्रत के, मेरे को घर में मम्मा ने बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल वो ट्राई करूँगी बनाने का। तो चलिए, मीनवाइल ये हमारा ग्रेट हो रहा है, और ओके, इसको मैं ढंग से कर नहीं पा रही थी हाथ में लेके, तो फिर मैंने रख वक के उसको अच्छे से, ये देखिए ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और फिर पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप में से किसी ने कुट्टू के आटे की पूड़ी या फिर समथिंग बनाई है ना, तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो आटा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप का होता है, तो वो पॉसिबल शायद ना हो पाए उसमें बनाना, तो इसलिए मेरे को चीला इज़ लाइक वेरी ईजी ऑप्शन फॉर मी। तो मैं इसको सीधा ऐसे बना लेती हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है व्रत के, तो मुझे खोजने नहीं आता है बेसिकली, मिलती तो होंगी भाई, मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मिलती नहीं है, वरना मार डालेंगे मेरे फ्रेंड मुझे जो बैंगलोर वाले हैं, कि हमेशा बोलती रहते हैं यहाँ ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। तो चलिए फिर यहाँ पे अच्छे से हम पानी मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स मिक्स मिक्स, और ये हो गया है हमारा अच्छे से मिक्स। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा बैटर, अब हम इसका खटाखट से चीला बना लेते हैं। तो चलिए अब चीला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन को अभी रखा है, और फिर अभी हम इंडक्शन को ऑन करेंगे। एक्चुअली मैंने ये पता है सारा रिकॉर्ड किया हुआ था, मगर मेरे इंडक्शन का इतना ज़्यादा नॉइज़ आता है ना, कि वो वीडियो बड़ी ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ऊपर से वापस से बोल ही लेती हूँ, कर ही लेती हूँ वॉइस ओवर, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास उसके अलावा। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाल लिया है घी, टेम्परेचर को आप रख सकते हो अराउंड 500, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, बैटर ही डालेंगे, और क्या ही डाल सकते हैं यहाँ पे हम। तो मैं इसको हल्का सा गर्म होने के लिए आई गेस छोड़ी थी। मीनवाइल मैंने अपना आम वाम लेके, ये देखिए आम ले लिया, इसको पील आउट करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए पहले चीला बना लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, तो ये आ गया मेरा चीले का बैटर, इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा जल्दी करिएगा, वरना ये फिर आई गेस फैलेगा नहीं, चिपकने लगेगा। तो इसको आप अच्छे से स्प्रेड कर लोगे, यस, एंड आई मीन ट्राई रखना कि पतला ही रहे, तो फिर जल्दी पक भी जाता है और अच्छा भी लगता है। मोटा मुझे नहीं पसंद है, मुझे पतला पतला पसंद आता है। तो ये मैंने अपने एंड से फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो पूरा अच्छे से ट्राई किया कि इसको स्प्रेड आउट कर लूँ, एंड देन फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और मीनवाइल हम शुरू कर देंगे बनाना अपना चटनी। ये देखिए मैंने एक क्लोजअप लिया था, ये था कुछ मेरा फर्स्ट टाइम चीला जो कि ऐसा दिख रहा है, व्रत वाला चीला। अब इसको हम छोड़ देंगे, और अब हम अपने आम को मैंने देखे यहाँ पे पील आउट कर लिया है, अब इसको खटाखट से जार में कट भी करके डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, और हल्का सा हम डालेंगे ब्लैक पेपर भी, और यहाँ पे मैंने धनिया भी ऐड कर लिया। धनिया एक्चुअली मेरा नहीं था, मेरे फ्रेंड का था, जो कि आधा मर चुका था हम बोलेंगे, वो पूरा सूख काइंड ऑफ गया था। तो उसको पहले मेरा जो मिक्सर है ना, उसमें वो फंस गया था, मिक्सर मेरा गर्म हो गया, मैं तो डर गई भाई गया, खैर कैसे मैंने मैनेज कर लिया। तो ये देखिए मैंने चीले को अपने पलट दिया है। फिर यहाँ पे मैं अपना चटनी बनाने में लग गई थी, मैं चटनी को अभी आई गेस लेके आऊँगी कि हाँ वो अच्छे से फाइनली ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए ग्रीन ग्रीन चटनी, खट्टी सी, बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद अब हम करेंगे प्लेटिंग, ये ले लिया मैंने अपना प्लेट, प्लेटिंग क्या ही करेंगे, सीधा बस रख के खाएंगे जल्दी से, क्योंकि ऑफिस का काम भी करना है। बट हाँ देखिए मुझे रख के थोड़ा टाइम भी हो गया, चटनी मेरी पूरी फैल गई है। ये उठा लिया मैंने अपने चीले को, ये मैंने रख लिया प्लेट में, और फिर अब हम चलेंगे। तो ये देखिए ये रहा मेरा चीला, ये चटनी पूरी फैल गई है, ये रहा मेरा दही। नाउ आई एंजॉय माई लंच, तब तक के लिए बाय। तो ये हो गया है अब शाम का टाइम, और फिर मुझे वापस से भूख लगाई, मैं पेटू बन गया हूँ। तो फिर मैंने ऑर्डर किया सावा का चावल बिग बास्केट से। सावा का चावल एक्चुअली व्रत में खाते हैं, ये एकदम छोटा छोटा गोला गोला होता है, चावल तो नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों इसका नाम चावल है, दिस इज़ नॉट लाइक चावल।
तो ये था सावा का चावल, तो इसका मैंने ऑर्डर किया मम्मा से पूछा, और फिर मैंने इसका तहरी टाइप बना लिया था, आई मीन आलू जीरा डाल के कुछ कुछ ब्लैक पेपर, ये सब रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी अगर मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो। तो फिर मैंने वो बनाया, फिर मैं वो देखे खाते हुए काम करने में लग गई। ऑफिस का काम अभी थोड़ा चल रहा था कुछ कुछ, तो ये मैं कुछ कुछ फिगर आउट कर रही हूँ। मेरा कोई प्रोजेक्ट है जो प्रोडक्शन में भी जाने वाला है अभी इस वीकेंड, तो बस वही सब चल रहा था। पूरा मस्त काम कर रहे हैं, पूरे टाइम मुँह पर चल रहा है खाने के लिए। बहुत भूख लगती है यार, कुछ बताओ तरीका जिससे भूख ना लगे ना। तो फिर बस यही था मेरा दिन, बीच में देखिए मैं गायब हो गई तो ये कैसा। और हाँ, आप देख लोगे रूम का माहौल मैंने एकदम ब्लैक आनंद काला कर रखा है, क्योंकि मैंने लाइट वाइट बंद करके मुझे काम करना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, कोजी कोजी सा माहौल हो जाता है, थोड़ा ठंडा फील होता है गर्मी में, क्योंकि बैंगलोर में अभी थोड़ी गर्मी हो रही है, मेरे को काफ़ी गर्मी लग रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही है गर्मी। आई मीन हाँ ठीक है, नॉर्थ में ज़्यादा होती है इससे, बट फिर भी मुझे ये गर्मी नहीं पसंद आ रही है। तो बस ये मैंने रात में पनीर के कुट्टू के आटे में पकौड़े बना लिए थे। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।